वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक तस्वीर सामने आई है, तस्वीर ऐसी जो दिल को झकझोर कर रख दे। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब मुरैना में एक छोटा सा बच्चा अपने भाई के शव को लेकर हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जहां जीते जी तो इंसान को जिंदगी से जूझना पड़ता ही है, मौत के बाद भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता। अपनी मां के शव को मोटरसाइकिल पर लकड़ी के सहारे ले जाने को मजबूर इस बेटे का गुनाह ये है कि ये गरीब है, सरकारी एम्बुलेंस है नहीं और प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्चा ये उठा नहीं सकता। ऐसे में इसे अपनी मां की लाश को इसी तरह 80 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाना पड़ा। मां की मौत के बाद बेटे ने शव वाहन के लिए शासकीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लोगों से बात की, लेकिन शव वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके बाद बेटे ने प्राइवेट शव वाहन लेने की कोशिश की, लेकिन प्राइवेट शव वाहन वाले 5,000 रुपये मांग रहे थे जो उनके पास नहीं थे। इसलिए लाचार बेटा माँ के शव को मोटरसाइकिल पर 80 किलोमीटर दूर बांध कर ले गया। अनूपपुर के गुडारू गांव की रहने वाली महिला यशमंत्री यादव को सीने में तकलीफ होने के कारण परिजनों ने जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया था, जहां जयमंत्री की हालत में सुधार ना होने के कारण शनिवार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। उपचार के दौरान 2:40 में उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर देख कर भी आप विचलित नहीं होते तो सच मानो आपका केवल शरीर जीता है, जज्बात मर चुके। ये तस्वीर शिवराज सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर बता रहे उस विकास के बारे में जिसकी गाथा मुख्यमंत्री शिवराज करते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़।